एंगल पैर पे भगना है, पंजे। दूसरा हमें तो ग्रोइंग के ऊपर आप करेंगे ज्यादा ज्यादा रब। सो कैसे हैं आप सभी? तो इंस्टाग्राम पर जैसे कि मैंने पूछा था कि किस चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आए मैं रनिंग स्टेप के ऊपर बनाऊं कि हमारे जो भगने का एक्शन है उसमें हमारे ज्यादा पैर कैसे खुले रनिंग में। तो आज मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। और सॉरी आज मेरे पे हेडफोन नहीं है, एयरफोन नहीं है, तो मेरी आवाज थोड़ी गूंजेगी, पर आप लोगों को समझ आएगा पूरा। तो वीडियो एंड तक देखना, बताऊंगा किस तरीके से हम खोल सकते हैं और क्या क्या चीज करना चाहिए हमें, ना? तो चलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी सबसे जरूरी जो है अपने पैर खोलने के लिए, रनिंग में स्टेप खोलने के लिए, वो है पंजे पे भगना। काफी लोग हैं वो पूरे पैर पे भगते हैं ना, हमें पूरे पैर पे नहीं भगना, हमें 90 डिग्री अपना एंगल रखना है। अब मैं आपको कहूंगा पंजे पे भगने की, तो काफी लोग ये हैं कि पूरा ही पंजा रखने चालू कर देंगे। हमें पंजे पे पूरे पे नहीं भगना, हमारी जो एड़ी होगी वो जमीन से इतनी ऊंची होगी, बस इतनी उठा कर रखनी है और हमें पैर ऐसे रखना है, 90 डिग्री एंगल पर रखना है पूरा पैर। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको भगना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज, तो चलते हैं दूसरी चीज क्या इम्पोर्टेंट है। सो दूसरी चीज हमारी जो रनिंग में पैर खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ड्रिल्स। जो जैसे कि मैंने ये अपनी एक वीडियो बना रखी है ड्रिल्स की, तो आपको ये ड्रिल्स हर वर्कआउट के बाद करनी जरूरी है। जब आप मतलब जैसे कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर वर्कआउट देता हूँ, जो लोग मेरा फॉलो करते हैं, जो अपना भी करते हैं, वो लोग ड्रिल्स जरूर करें। ड्रिल्स से क्या होगा ना, हमारी रनिंग का जो अपर बॉडी का एक्शन है, पैर का एक्शन है, जैसे आप देखते हो कि ये भारत देश के, अफ्रीका के भगते हैं, अमेरिका के भगते हैं, इनके पैर एकदम ऐसे खुल के चलते हैं। तो आप मेरी भी वीडियो देखना, मेरे भी ऐसे चलते हैं, मेरा पहले बहुत गंदा एक्शन था, ये मैंने ड्रिल्स कर करके सुधारा। तो ये ड्रिल्स आपको जब आप कंटिन्यू रनिंग करो तो उसके बाद करनी है, और जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो वार्म अप के बाद करनी है, करनी जरूरी है। इनके दो दो सेट करने हैं आपको, ठीक है ना? और ड्रिल्स पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है, और ये नहीं कि आपको काम चलाओ ड्रिल्स करनी है, आपको ड्रिल्स इस तरीके से करनी है कि एकदम प्रॉपर स्लो मोशन में, तेज नहीं करनी, पहले आपको वो सीखनी है फिर तेज करनी है, ठीक है? तो हम तीसरी चीज पे चलते हैं, तीसरी चीज क्या इम्पोर्टेंट है, तीसरी चीज क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तीसरी चीज जो है हमारी जो ग्रोइंग है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी ग्रोइंग है, हमें इसकी पावर की ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? अब इसकी पावर की एक्सरसाइज होंगी कैसे, इसकी पावर की एक्सरसाइज हमारी जो है रबड़ बैंड से होंगी। रबड़ बैंड से आप को बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, मैं और बना दूंगा, पहले भी मैंने बना रखी है, आप पहले वीडियो में मेरी देखना, और मैं बना दूंगा आपके लिए। तो रबड़ बैंड एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी रनिंग एक्शन के पैर खोलने के लिए, तो आप इसको भी करें। ग्रोइंग में ज्यादा ज्यादा जितनी पावर होगी उतने अच्छे आपके लेग्स खुलेंगे। और आपको मैंने तीन चीजें बता दी, पहला 90 डिग्री एंगल पैर पे भगना है, पंजे पे भगना है। दूसरा हमें ड्रिल्स हमेशा करनी है, एकदम प्रॉपर करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो रनिंग एक्शन में और रनिंग के स्टेप खोलने में आपके। तीसरी चीज हमें ग्रोइंग के ऊपर काम करना है, ग्रोइंग पावर के ऊपर। तो ग्रोइंग के ऊपर आप करेंगे ज्यादा ज्यादा रबड़ बैंड एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में आपको रबड़ बैंड एक्सरसाइज 2 बार करनी है, और आपको जो है ड्रिल्स तो रोज ही करनी है और पंजे भी भगना रोज ही है, ओके? और आपको एक खुशखबरी और दूंगा मैं जल्दी अगली मेरी वीडियो में, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, ठीक है? आप लोगों की ऐसी मदद करता रहूंगा। सॉरी आज की वीडियो लेट हो गई, थोड़ा सा मैं इधर उधर काम में लग गया था। अगली वीडियो मेरी प्रैक्टिस के ऊपर भी आ सकती है, मैं कैसे करता हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग शेयर करना, ऐसी लाइक करना और अपनी सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद।